पृथ्वी के ऊपर जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, आज वो अपनी सुरक्षा को तरस रहा है। दरअसल झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टरों के साथ अत्याचार और दुराचार जैसे मामले इन दिनों अधिक बढ़ गए हैं, और इसी को लेकर डॉक्टर समाज जो है सरकार से नाराज है। ये वो डॉक्टर हैं जिनके ऊपर फूल बरसाया गया था, ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें वैश्विक महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर कहा गया था, आज वही डॉक्टर अपनी सुरक्षा को तरस रहे हैं। मैं मौजूद हूं रांची के रिम्स अस्पताल परिसर में, जहां डॉक्टर की टीम सरकार के खिलाफ नाराज है और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इन लोगों से ही जानते हैं, सर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है और क्यों डॉक्टरों के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है? देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से पूरे झारखंड में चिकित्सकों पर कहीं ना कहीं प्रतिदिन वारदात हो रहा है, हमला हो रहा है, और इससे डॉक्टर वर्ग, चिकित्सक वर्ग भय में है, आक्रोशित हैं, और ऐसे में चिकित्सा सेवा दे पाना आम पब्लिक के लिए हम लोग असमर्थ हैं। अब क्या लगता है कि अगली बारी किसकी होगी? आप लोगों को डर नहीं लगता? बहुत ज़्यादा, और यही बात तो तब से कह रही हूँ कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बरसों से हम लोगों की अनसुनी कहानी है, और इसको ये अनसुनी किए जा रहे हैं। और देखिए, दूर दराज के गाँव के जो इलाके हैं, कड़वा है जैसे लातेहार, पलामू, तो ये सब एरिया में चतरा, ये सब छोटा छोटा जगह है, यहाँ पे सुरक्षा होती नहीं है। राजधानी रांची के एकदम बीचों बीच बड़े बड़े डॉक्टरों पे जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ से डॉक्टरों का पलायन होगा कि नहीं। जिस हेमंत सरकार के कार्यकाल में डॉक्टरों के ऊपर फूल बरसाया गया, आज उसी सरकार के भीतर डॉक्टर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सरकार की कार्यशैली को कैसे देखते हैं आपके डॉक्टर समाज? स्वास्थ्य सेवा के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है झारखंड सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सारी चीज, ये जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये वास्तव में सोशल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। अगर हमला होता है डॉक्टर से या किसी तोड़फोड़ होती है हॉस्पिटल में, तो जितने सब मरीज अफेक्टेड होते हैं, वहाँ की जो सेवा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, वो चरमरा जाती है। आज सांकेतिक बहिष्कार किया गया है, आगे का क्या कुछ होगा? आज शाम को हम लोगों की पूरे IMA झांसा और जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे झारखंड की, उनकी मीटिंग है। अगर हमारी बातों पर सरकार की तरफ से कुछ भी संज्ञान नहीं आया है, तो उसके बाद हमारा जो प्रदर्शन और उग्र होगा। भारत देश युवाओं का देश है, झारखंड युवाओं का प्रदेश है। ऐसे में युवा श्रेणी में आने वाले डॉक्टर जो भी है, पारा मेडिकल कर्मी है, वो भी आज इन डॉक्टरों के समर्थन में है और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के साथ यहाँ प्रदर्शन में है। क्या आप लोगों को असुरक्षा कहाँ लग रहा है? सर, हम लोग इतना दिन से काम करते आ रहे हैं, हम लोग को हॉस्टल नहीं दिया गया, हम लोग रिम्स के होकर भी हम लोग को बाहर रहना पड़ रहा है। हम लोग रिम्स से ही है, हम लोग को अपने किराया के मकान में रहना पड़ता है। जिस दिन कभी कभी लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत भी हो गया है, और यहाँ हम लोग 2016 से हॉस्टल का डिमांड कर रहे हैं, बट हॉस्टल हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। बस आश्वासन दिया जाता है कि बस मिल जाएगा। स्वास्थ्य महकमा झारखंड में एम्स जैसी सुविधा बहाल करने की बात करती है, चिकित्सकों के जो मनोबल है उसे बढ़ाने की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने की बात की जाती है। लेकिन आज स्वास्थ्य के जो ठेकेदार हैं, जो डॉक्टर हैं, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, आज अपनी सुरक्षा को तरस रहे हैं। अब देखना होगा सरकार और विभाग की ओर से इनके लिए कहां तक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, या फिर इसी तरह से असुरक्षित रहकर ये सड़कों पर और प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। अपने सहयोगी प्रशांत पित्रा के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।